बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम निहारी बनाएंगे। उसके लिए मैंने चिकन लिया है, एक मैंने चिकन लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके इस छली में डाल के रख दिया था, इसका पानी खुशक हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, नमक मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून ली है। ये मैंने गरम मसाला है जो निहारी के लिए बनाते हैं, उसमें मैंने सौंफ डाली थी 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून मैंने इसमें जीरा डाला था, 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया डाला था, इलायचियां 2 डाली थी बड़ी वाली, लौंग डाले थे 6 से 7, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाले थे। उसको मैंने सारी चीजों को लेके थोड़ा सा पहले मैंने रोस्ट किया था, फिर इसको मैंने ब्रीक कर लिया। 1 कप हम यूज करेंगे ऑयल। अब मैं फ्लेम को ऑन करूंगी। अब मैं ऑयल डालूंगी, 1 कप ऑयल है। इसमें मैं चिकन डाल दूंगी, इसको फ्राई करूंगी। मैं अच्छी तरह से फ्राई करूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। इसको अच्छी तरह से भून लूंगी। अब इसमें मैं सारे मसाले डाल दूंगी। इसमें मैंने जाफल और जावित्री का पाउडर भी इसमें डाला है 1 टीस्पून। मैं इसको अच्छी तरह से मैं भून लूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको भून लें, मसाला जले नहीं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। अब इसको अच्छी तरह से मैं भूनूंगी 5 से 6 मिनट के लिए। मैंने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें 10 से 15 मिनट के लिए इसको भूना है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पहले मैं इसके ऊपर से ये जो तरीर है वो मैं निकाल लूंगी, फिर मैं इसके ऊपर से डालूंगी। आधा ऑयल मैं निकाल लूंगी, आधा इसमें रहने दूंगी। ये मैंने ऑयल निकाल लिया है इतना सा, बाद में इसके ऊपर डालूंगी। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी आप अपने हिसाब से डाल लें, जितना आप रखना चाहते हैं। मैंने इसमें 3 कप डाले हैं पानी के। अब मैं इसको कवर करके आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख दूंगी। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। अब इसको पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब इसमें मैं 1 कप मैंने पानी लिया है, 3 मैंने ये वाले स्पून आटे के लिए हैं, इसमें मैं डाल के इसको मिक्स करती हूँ, फिर मैं इसमें डालती हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूंगी। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। आटे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये नॉर्मल आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालूंगी, डाल के इसको हिला लूंगी। जितनी आपको थिकनेस चाहिए उतना आप कर सकते हैं। ये मैं पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके आधा पहले डालूंगी, आधा बाद में डालूंगी। 3-4 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी, फिर इसमें देखती हूँ कितना थिकनेस मुझे चाहिए। जितनी चाहिए होगी उतना मैं कर लूंगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब ये जो रहता है ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये मैंने सारा डाल दिया है। अब 3 से 4 मिनट इसको और पकाऊंगी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए शोरबा।
छह मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब मैं ये मेरी निहारी रेडी है, अब मैं इसको सर्व करूंगी। अब इसके ऊपर मैं ये ऑयल डाल दूंगी जो मैंने पहले निकाला था, इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। मेरी चिकन निहारी रेडी है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दुआओं में याद रखिए, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।